नमस्कार रणनीति में आज गौर करेंगे अपने समाज पर। क्या हमारे समाज में असहिष्णुता बढ़ती जा रही है? क्या हम अपनी सोच में कट्टर हो रहे हैं? लखनऊ में एक हिंदू मुस्लिम जोड़े का पासपोर्ट विदेश मंत्रालय के दखल के बाद जारी हुआ। अनस सिद्दीकी और तन्वी सेठ सभी जरूरी दस्तावेजों के साथ लखनऊ पासपोर्ट ऑफिस में पासपोर्ट बनवाने पहुंचे थे, लेकिन एक कर्मचारी ने अलग अलग धर्म में शादी के बाद नाम ना बदलने का हवाला देकर पासपोर्ट देने से इनकार कर दिया था। अधिकारी का कहना था कि पासपोर्ट के लिए पहले नाम बदलवाना होगा, जिसके बाद महिला ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को ट्वीट कर अपने साथ बदतमीजी की शिकायत की थी। मेरी फाइल मांगी, फाइल देखने के बाद उन्होंने कहा, अच्छा आपकी वाइफ का नाम तन्वी सेठ है, आप अपना धर्म परिवर्तन करिए और नाम चेंज करिए और गोत्र मंत्र पढ़िए एंड फेरे लीजिए एंड तब उसके बाद ऐसा हो पाएगा। मुझे एपी ऑफिसर ने बोला कि यू प्लीज कम बैक टुमारो अगेन, मुझे आज बुलाया था। पर्सनल ओपिनियंस होते हैं, उसको हम कभी कभी रख नहीं पाते हैं असाइड और हम बायसनेस दिखा देते हैं, तो शायद वही। तो दिल्ली में विदेश मंत्रालय के दखल के बाद पासपोर्ट जारी हुआ। पासपोर्ट जारी करने से मना करने वाले कर्मचारी का गोरखपुर में तबादला कर दिया गया है, लेकिन अधिकारी विकास मिश्रा का कहना है कि मैंने खुद अंतरजातीय शादी की है, मैं धर्मनिरपेक्ष हूं। मैं खुद धर्मनिरपेक्ष हूं, मैंने तो खुद इंटरकास्ट मैरिज की है। हमने सिर्फ उनसे यही पूछा कि ये नाम है और आप हमको निकाहनामा में दिखा रही हैं कि आपका नाम शादी अनस है, तो आप इस नाम को फाइल में इंडोर्स करा लीजिए, जिसके लिए उन्होंने मना कर दिया। अगर वो कंसेंट दे देती कि हाँ नाम इंडोर्स करा देती तो हम ए सेक्शन में भेज देते और ए सेक्शन सिंपली डेटा मॉडिफिकेशन वो एंट्री करा देती, वो नहीं करा रही। क्यों नहीं करा रही है? तो विकास मिश्रा का यही कहना था कि तन्वी के कागजात और निकाहनामे में अलग अलग नाम होने की वजह से दिक्कत आई। तो हाल में खबर आई थी कि एक ओला टैक्सी वाले ने ग्राहक को इसलिए गाड़ी से उतार दिया क्योंकि वो जामिया नगर जा रहे थे, जो उनकी नजर में गंदा इलाका है। फिर विवाद हुआ, एक एयरटेल डीटीएच की एक महिला कस्टमर ने डीटीएच से जुड़ी किसी दिक्कत को दूर करने के लिए एयरटेल के मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव से डील करने से इनकार कर दिया। तमाम लोग सोशल मीडिया पर एयरटेल से इसलिए नाराजगी जाहिर करने लगे कि उसने ऐसे सांप्रदायिक ट्वीट पर महिला को फौरन जवाब नहीं दिया। एक मामला वो भी था जब एक महिला ने एक स्टिकर जिस गाड़ी में लगा था, उस हनुमान जी का 2.2 का स्टिकर लगा था, उसमें बैठने से इनकार कर दिया, तो वो भी सोशल मीडिया में बहुत वायरल हुआ था। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य खालिद रशीद फिरंगी मेरी साहब ने कहा है कि नेताओं के भड़काऊ बयानों का समाज पर बहुत असर पड़ता है। ऐसे में सवाल है, क्या समाज में धार्मिक कट्टरता बढ़ी है? बढ़ती नफरत के लिए कौन जिम्मेदार है? और यही आज हम समझने की कोशिश करेंगे अपने कार्यक्रम रणनीति में। शांतनु गुप्ता लेखक हैं, हमारे साथ स्टूडियो में हैं। असद अशरफ स्वतंत्र पत्रकार हैं, जिन्हें ओला के एक ड्राइवर ने उतार दिया था, उनसे उनकी बात सुनेंगे। और साथ ही मेरे सहयोगी कमाल खान भी लखनऊ से हमारे साथ हैं। अशरफ, मैं सबसे असद आपके पास आऊँगी, और आपको क्या कहकर जो ड्राइवर था आपको गाड़ी से उतारा, और क्योंकि आप कह रहे थे जब मैंने आपसे बात की थी कि और लोग भी थे, क्या महसूस आपने किया? हाँ, जब मैं गाड़ी पे बैठा था तो उस वक्त मेरे और लोग मुझे छोड़ने आए थे, तो उसने ओटीपी लेके आगे बढ़ा दी गाड़ी। वो वहाँ पे नहीं उसने मना किया कि हम नहीं जाएंगे, हालांकि जब ओटीपी आपको पता चलता है तो पता चल जाता है कि आपका डेस्टिनेशन क्या है, लेकिन उनको पता चल गया था वहाँ पे कि उनको जामिया नगर जाना है। लेकिन 500 मीटर 600 मीटर आगे जाके उसी रोड पे थोड़ी सन्नाटी रोड आ गई थी, वहाँ पे उसने मुझे बोला कि आप गाड़ी से उतर जाइए। मैंने जब पूछा कि हुआ क्या, तो उसने बोला हम जामिया नगर नहीं जाएंगे। तो मैंने बोला आपको पहले बताना चाहिए जब मैंने बोर्ड किया था और क्यों नहीं जाएंगे आपको, तो भैया जहाँ जाना है आपको वहाँ जाना है, मतलब जहाँ आपको ओला कंपनी ने कैब इसीलिए दिया है कि आपको कस्टमर का सर्व करें। तो बोला नहीं नहीं ये सब मैं नहीं जानता, हम नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे। फिर मैंने थोड़ी देर से आर्ग्यू किया, थोड़ा देर उसको कन्विंस करने की कोशिश की चलने के लिए, लेकिन बोला कि हम गंदे इलाकों में नहीं जाते जहाँ गंदे लोग रहते हैं, विच इज ओवरटली कम्युनल, मतलब जामिया एक ऐसा इलाका है जहाँ उन्होंने इन शब्दों में कहा, बिल्कुल कहा कि हमें गंदे इलाके में नहीं जाते जहाँ गंदे लोग रहते हैं। तो फिर मैंने बोला कि आप इमरजेंसी आप पे कॉल किया, उन्होंने मुझे पुलिस से कनेक्ट किया, पुलिस आई 15 मिनट में, लेकिन बहुत सीरियसली नहीं लिया पुलिस ने इसको, और ओला ने इमीडिएटली कुछ नहीं किया। दो तीन घंटे बाद जब ट्वीट्स पे लोगों ने रीट्वीट करना शुरू कर दिया, तो ओला ने फिर मुझे कॉन्टैक्ट किया
کیا اور پھر معافی مانگا اینڈ دے سیڈ دیٹ کہ ہم ٹرمینیٹ کر رہے ہیں ڈرائیور. تو اس نے آپ کو گاڑی سے نکال کیسے دیا آرام سے؟ نہیں, اس نے مجھے گاڑی سے نکالا نہیں. جب اس نے مجھے, میں گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا, تو جب میں نے پولیس کو فون کیا اور اولا کے ریپرزینٹیٹو کا فون آیا میرے پاس, تو اس نے گاڑی میں اور لوگوں کو, اس نے فون کرنا شروع کر دیا, اپنے جاننے والوں کو یا اپنے گھر والوں کو یا اپنے دوستوں کو, کوئی اتر نہیں رہا ہے, مجھ سے آگے کر رہا ہے اور یہاں پہ آپ لوگ آ جاؤ, اس نے پولیس کو بلا لیا. تو آپ کو ڈر لگا؟ تو مجھے تھوڑا ڈر لگا, آف کورس ایک خوف کا ماحول ہے اور رات کا وقت تھا, تو مجھے لگا کہ اب مجھے ادھر جانا چاہیے اور باہر کھڑے ہو کے ویٹ کرنا چاہیے, گاڑی نہیں بیٹھنا چاہیے. مجھے کہا جا رہا کمال سے لے لوں. کمال, میں آپ سے جاننا چاہ رہی تھی, آج جو واقعہ سامنے آیا اس کو لے کر, کیا پہلے بھی ایسے معاملے سامنے آتے رہے لیکن یہ پاسپورٹ میں ایسے ہوا اور پھر سیدھے ودیش منترالے کی طرف سے دخل کے بعد ہوتا ہے, کیا وہاں پہ لوگ چرچا کر رہے ہیں؟ دیکھیے, ایسا ہے کہ یہ جو پرٹیکولر سیٹ پہ ان کے ساتھ یہ مشکل ہوئی, جو بھی مشرا جی تھے, ان کے بارے میں انہی کپل کا کہنا تھا کہ جب وہ تنوی وہاں پہ جو رونے لگی, تو ان کا کہنا ہے کچھ لوگ آئے اسٹاف کے اور انہوں نے کہا کہ یہ پہلے بھی اس طرح کی چیزیں کرتے رہے ہیں لوگوں کے ساتھ میں. کئی بار وہ اتنی ہائی لائٹ نہیں ہو پاتی, ہندوستان میں اتنے سرکاری دفتر ہیں, ہر بات سامنے نہیں آ پاتی, کیونکہ ان کی بات اتنی زیادہ ہائی لائٹ ہو گئی اس لیے ان کے اوپر ایکشن ہو گیا. دوسری چیز, پاسپورٹ آفیسر یہاں پہ ایک بہت ایک ینگ آئی ایف ایس آفیسر ہیں جو باہر کسی ایمبیسی میں پوسٹڈ تھے, وہاں سے یہاں پہ آئے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ ایسا کوئی بھی نیم نہیں ہے کہ شوہر یا بیوی بتانے کے لیے میرج سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے. تو انہوں نے کچھ جس طرح کے کمیونل کامنٹس کیے, جو بھی چیزیں بولی وہ اپنی مرضی سے بولی, پاسپورٹ کے لیے ایسی کوئی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے. بلکہ سشما سوراج جی کے ایسے انسٹرکشنز ہیں کہ کوئی مہیلا اگر اپنے پاسٹ کے بارے میں نہیں بتانا چاہتی کنہیں نجی کارنوں سے, تو آپ اس سے پوچھ نہیں سکتے ہیں, اتنا سینسیٹیو ہے ان چیزوں کو لے کر کے. تو یہ کئی بار ہوتا ہے کہ اس شخص کے من میں کس طرح کی چیزیں ہیں. اب ہم جس چھت کے اوپر کھڑے ہیں, اس اپارٹمنٹ کی چھت پہ درجنوں ڈش لگی ہیں, اب کس نے لگایا پتا نہیں. اب یہ ایئرٹیل میں ایشو ہو گیا کہ ہم ہندو سے ڈش لگوائیں گے, مسلمان سے نہیں لگوائیں گے. تو وہ بہت سارے لوگ جو عام لوگ ہیں, وہ ظاہر سی بات ہے اس چیز کو لے کے ناراضگی ظاہر کر رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ وہ دونوں لوگ پروفیشنلز ہیں, ایم این سی میں کام کرنے والے ہیں, کوئی پبلسٹی نہیں چاہتے, کوئی نیتا نہیں ہے. وہ مہیلا جو ہے وہ خود بیچاری پریگننٹ ہے, سارے سارے دن اس طرح کی جدوجہد میں ان کو گھومنے میں تکلیف بھی ہو رہی ہے. تو عام طور پہ جو لوگوں کی رائے ہے وہ یہی ہے کہ سارے لوگ سماج میں ایسے نہیں ہیں, لیکن بہت سارے لوگوں کے دماغ میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جس سے ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں تو لگتا ہے کہ سماج جو ہے وہ بہت پردوشت ہے, زہریلا ہے. بالکل, پردوشن کی بات آ جاتی ہے. شانتنو ہمارے ساتھ موجود ہیں, خود ایک لیکھک ہیں. شانتنو, آپ کو کیا آبھاس ہوتا ہے جب یہ ہمارے سماج میں پہلے بھی ہوتا رہا ہوگا, لیکن اب جس طرح سے تنوی کے پاس اس نے ٹویٹ کیا, انہوں نے ٹویٹ کیا اور سیدھے ایکشن ہو گیا, انہوں نے بھی جس طرح سے اپنی بات کہی سوشل میڈیا پہ کہی اور لوگوں نے اس پہ سنگیان لیا اور اس پہ ایکشن کاروائی ہوئی, یہ جو بدلاؤ آ رہا ہے یہ اس سماج میں کیا ہو رہا ہے, کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اسے؟ ندھی, پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ ہمیں ایک آڈ کیس کو ہوا بنا کر فیئر مانگرنگ نہیں کرنی چاہیے, پہلی بات. دوسری بات, ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہوا کیا اور اس پہ ریئیکشن کون سا کیس آپ سوچ رہے ہیں آڈ ہوا؟ آڈ جیسے آپ یہ دیکھیے, ایک دن میں کتنے پاسپورٹ بنتے ہیں مجھے سنکھیا نہیں پتا, لیکن کئی ہزار لاکھوں پاسپورٹ بنتے ہوں گے, اس میں ایک کیس. ایک دن میں کتنی اولا چلتی ہوں گی, اوبر چلتی ہوں گی, اس میں سے ایک کیس. تو اگر آپ ریشو دیکھیں تو 0.00001% آئے گا. اگر اس کو لے کے ہم ایک گھنٹے کا شو کریں گے تو ایک فیئر مانگرنگ ہو سکتی ہے. دیکھیں ہوا کیا, وکاس مشرا نے اگر جو کہا, ہمارے پاس تو ریکارڈ نہیں ہے, اگر جو کہا بالکل غلط ہے. ان کے ساتھ جو کیب ڈرائیور نے کہا, اگر وہ ہوا تو بالکل, یہ کہہ رہے ہیں میں مان رہا ہوں میرے ساتھ بیٹھے ہیں, اگر ہوا تو غلط ہے. لیکن دیکھیں پاسپورٹ والے کیس میں ہوا گیا بس ایک ٹویٹ سے. آپ نے کب سنا تھا, آپ لیٹر لکھ لیے ایم ای اے کو, آپ پاسپورٹ آفس کے آگے دھرنا کر دیے, تب کوئی نہیں سنتا ہے. بس ایک ٹویٹ سے ایم ای اے کے پی ایس نے سیکرٹری کو کہا, سیکرٹری نے آر پی او کو کہا, آر پی او نے چار اسٹیپ لیے. کیا لیے؟ ایک تو ٹائم سے پاسپورٹ ایشو ہو گیا, بہت بڑھیا. پہلے اگر آپ کو یاد ہے, میں نے جب 20 سال پہلے پاسپورٹ بنوایا تھا, 20 سال پہلے پاسپورٹ بنوایا تھا, 6 مہینے میں پاسپورٹ بنا تھا, چوتھے پانچویں دن پاسپورٹ آ گیا, ان سے اپالوجی مانگی گئی تو ان کا کام سیٹل ہو گیا. آپ دیکھیں ان کے وکاس مشرا کے ساتھ کیا ہوا, ان کا تو ٹرانسفر کر دیا گیا اور بتایا گیا کہ بھائی یہ ہیبیچوئل آفینڈر ہے, پہلے بھی ایسی غلطی کر چکے ہیں, تو اب ان پہ, کیونکہ اب ایک سالڈ رپورٹ آئی ہے تو اب ان پہ ایکشن ہوگا. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ بھائی کیونکہ ایکشن ہوا تو اب اور ادھیکاریوں پہ بھی آئے گا کہ جب بھی کوئی پاسپورٹ آفس پہ آئے آپ اپنی بات رکھ سکتے ہیں, کیا پتا نام کا ایشو بنتا ہو, لیکن آپ اپنی بات ڈھنگ سے رکھیں, تہذیب سے رکھیں, تمیز سے رکھیں. بالکل, یہ میسج چلا گیا, بہت اچھا ہوا. تو اس میں ہمیں اور دونوں کپل نے بھی آ کے پریس کانفرنس میں دھنیہ واد دیا سشما سوراج کو, ہمیں وہ پوائنٹ بھی سنانی چاہیے.
हाँ बिल्कुल, नहीं उन्होंने उन्होंने सुषमा स्वराज को धन्यवाद दिया, और आज से पहले ऐसा कब हुआ है कि एक मिनिस्टर को ट्वीट करके आप अपना पासपोर्ट ले सकते हैं और किसी अधिकारी के अगेंस्ट में इंक्वायरी करा सकते हैं। लेकिन जो ये समाज में ये हो रहा है, जिस तरह से एक कहते हैं कि भाई जो हमारे नेता भड़काऊ बयान देते हैं, समाज वो उसको अपना लेता है एक तरह से, समाज में कुछ लोग, और उसकी अभिव्यक्ति इस तरह से होती है कि भैया मैं उस इलाके में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये गंदा है, आप सात फेरे लीजिए तभी मैं आपकी अपना नाम बदलिए। एक हैबिचुअल ऑफेंडर्स के स्टेटमेंट को हम जनरलाइज करेंगे, सब कह रहे हैं कि वो मिसबिहेव करते हैं, ऐसा पासपोर्ट ऑफिस का कोई नियम नहीं है कि ऐसा ऑफेंड करना, हमें किसी के साथ ऐसा बिहेव करना है। भड़काऊ भाषण तो जिन्ना के समय से चल रहे हैं भारत में, कोई नई बात नहीं है, दो अलग तरह के समाज रहे हैं, उसमें तनावनी हो सकती है। शांतनु का कहना है कि हम सिर्फ एक दो मामलों को ऐसे उठाकर कह दे कि समाज में एक तरह से प्रदूषण हो रहा है, वो कह रहे हैं उसको सहमत नहीं है इससे। लेकिन मैं इसको थोड़ा सा रिवर्ट करना चाहूंगा। हाँ। वे कमाल से पूछो, कमाल से। जी कमाल। नहीं देखिए, ऐसा है कि बहुत सारी चीजें बहुत बढ़ गई हैं जो हम उसको महसूस करते हैं। अगर आप सोशल मीडिया पे जाके देखिए तो आपको लगेगा कितनी इरेशनल बातें कर रहे हैं बहुत सारे लोग, जिनको आप बहुत पढ़ा लिखा समझते हैं, बहुत तरह के कुतर्क देके बहुत सारी कम्युनल चीजों को एंडोर्स कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तो वो समाज में कहीं आया होगा, चाहे वो नेताओं के बयानों से आया हो, चाहे वो आतंकवादियों के रिएक्शन से आया हो, चाहे हमने वो एक सोशल जो समाज में जिस तरह की कोशिशें होनी चाहिए कि एक मल्टी कल्चरल मल्टी लिंग्वल एक मल्टी रिलीजियस सोसाइटी में एक डेमोक्रेसी में जिस तरह लोग रहते हैं कि उसमें हम पॉजिटिव चीजों को सामने लाएं, जिस तरह हमारे एक दूसरे से ताल्लुकात थे उसको हम प्रमोट करें, उस चीज को करें, उसके बजाय क्या है इसके पीछे पॉलिटिक्स वाकई है। क्योंकि है क्या कि जब उससे पोलराइजेशन होता है, पोलराइजेशन से नेता को फायदा होता है, इसलिए समाज में जो जोड़ने की कोशिशें हैं वो समाज में पहले समाज सुधार के बहुत तरह के आंदोलन पुराने जमाने में चलते थे, वो सारी चीजें पोलराइजेशन जो हो रहा है। जब हमने कार्यक्रम शुरुआत किया था उससे पहले असद कुछ कहना चाह रहे थे, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और इसी बात पर जो आपका ये पॉइंट है इसी पर आएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो असद आपसे यही जानना चाहूंगी, कौन है फिर इसके लिए जिम्मेदार जो हम पोलराइजेशन की बात कर रहे थे ब्रेक से पहले? शांतनु की इस बात से मैं सहमत हूँ। शांति जहाँ तक कह रहे हैं ये कि ये पहले से चला आ रहा है, ऑफ कोर्स बहुत पहले से ये माइंडसेट है, लेकिन पिछले 3-4 साल में जिस तरह के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं पॉलिटिशियंस के, जिस तरह के स्टेटमेंट साक्षी महाराज आगे कह देते हैं, जिस तरह के स्टेटमेंट्स आके कोई और बिहार का एक एमपी आके कह देते हैं, गिरिराज सिंह कह देते हैं कि मुसलमानों को ये करो वो करो, तो आई थिंक जो नीचे लेवल के लोग हैं उनको अथॉरिटी मिल जाती है, वो अगर उनकी सोच वैसी है तो वो पावरफुल फील करने लगते हैं और उस पावर को फिर इन्फोर्स करते हैं कॉमन पीपल पे, समाज पे, जो समाज के लिए बहुत हानिकारक है। मुझे लगता है कि पॉलिटिशियंस का ऐसे बयान देने से बंद करना चाहिए। आप एक टैक्सी ड्राइवर को कह सकते हैं कि समाज का ये, लेकिन एक जो पासपोर्ट अधिकारी है उसके दिमाग में ये सोच जी है। उसके दिमाग में ये सोच है तो ये कितना डेंजरस है, आप सोच सकते हैं। मगर फिर एक वो लड़की भी है जिस तरह से बात कर रहे थे कि हनुमान का वो था स्टिकर तो बैठने से इनकार कर, वो भी गलत है, अगर वो है तो गलत है बिल्कुल। अगर वो अगर कोई ऐसा कर रहा है तो वो गलत है बिल्कुल, बिकॉज दैट इज आल्सो पोलराइजेशन। शांतनु जो ये मगर जो अब जिस तरह से एक दंपति हमारे सामने आ जाता है, इसका केस आता है, फिर एक हम देखते हैं कि डीटीएच की सर्विस लगाने से वो इनकार कर देते हैं। कमाल आप हमारे साथ मौजूद है, लेकिन हमारे सबके सामने अंकित सक्सेना का परिवार भी मौजूद है। अंकित किस तरह से लव जिहाद का आरोप एक तरह से लगा देगा, अंकित की जान चली गई, लेकिन उनके पिता किस तरह से सर्वधर्म संभाव की बात में लगे हुए हैं, हिंदू मुस्लिम भाईचारे एकता में लगे हुए हैं, तो वो मिसाल क्यों नहीं बन पाते, क्यों हम इतनी जो एक दूसरे से नफरत है उसको बढ़ावा देते हैं? नीति मिसालें दोनों तरह की हैं, हमें देखना चाहिए और मीडिया इसमें इंपॉर्टेंट है कि हम किस पे ज्यादा डिबेट है, किसको ज्यादा एयर टाइम देते हैं। देखिए भारत में वीर जरा जैसी पिक्चर भी हिट हुई है और राजी जैसी पिक्चर भी हिट हुई है, राइट? तो ऐसा नहीं कि मानसिकता क्या है, जैसे मैंने कहा कि जैसे कमाल ने कहा कि सोशल मीडिया से होने लगा, सोशल मीडिया तो बहुत नया फेनोमेना है, 2005 में आया है और 2010 से वो व्यापक हुआ है, तो ये कहना कि सोशल मीडिया से हो गया है ऐसा कहना मुश्किल है। लेकिन ये ऐसा हो सकता है कि सबके व्यू अब आ गए हैं, हमें पता लग गया कि भाई एक ये व्यू है, एक ये व्यू है और एक मिडिल व्यू भी है, एक मिडिल व्यू भी है, नहीं ज्यादा बढ़ जाता है। कमल आपकी नजर में जिम्मेदार कौन फिर? देखिए ऐसा है कि जिम्मेदार राजनीति है, क्योंकि सबसे ज्यादा फायदा राजनीति को होता है।
अगर हम सोसाइटी में पॉजिटिव चीजों को प्रमोट करेंगे, लेकिन जो पॉजिटिव लोग हैं वो उस तरह से ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, क्योंकि राजनीतिक को इससे फायदा मिलता है, राजनीतिज्ञ को, इसलिए उनके पास प्रोफेशनल ट्रॉल्स की टीम है, उनके पास प्रोफेशनल भड़काऊ भाषण देने वाले हैं, उनके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं होता आज तक जो ऐसा बोलते हैं। एक फेसबुक पे एक किसी नेता के बारे में, रामपुर में आजम खान साहब के बारे में भी किसी ने टिप्पणी कर दी थी, वो बच्चा जो है जेल चला गया था, उसको घर से पकड़ के ले गए, एक दलित चिंतक थे वो कपड़ा नहीं पहन पाए, उसको गिरफ्तार करके घर से ले गए। तो जो पावरफुल है वो पोस्ट फेसबुक पे एक पोस्ट लिख देने से गिरफ्तार करवा देता है, लेकिन इतने सारे जो प्रोफेशनल्स लगे हुए हैं समाज में डिविजन पैदा करने के लिए, उनके खिलाफ एक्शन तो नहीं हो रहा है? जो इतने बड़े बड़े लोग इतनी जहरीली जबान बोल रहे हैं, किसी का नाम लेने और दोहराने की जरूरत नहीं है, पूरा समाज पूरा देश जानता है, उनके खिलाफ उनके ऊपर जो जिम्मेदार लोग हैं जिसके अंडर में वो काम करते हैं, उन्होंने आज तक क्या किया? उससे क्या लगता है? उससे तो यही लगता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो इस पोलराइजेशन का फायदा उठाना चाहते हैं, इसलिए जानबूझ के उनको छूट दी जाती है। और ये तो अब साबित हो चुका है कि जहर फैलाने के लिए तमाम तरह के प्रोफेशनल्स काम कर रहे हैं, जो सोसाइटी में डिविजन फैला रहे हैं, जो ट्रोल कर रहे हैं लोगों को, ये नुकसान बहुत पहुंचाती है। और जो जो हमारे सर्वोपरि जिनके हाथ में सत्ता है वो इस पर विराम नहीं लगाते, वो उन लोगों को नहीं समझाते जो इस तरह की बातें दोहराते, सिर्फ कह दिया जाता है तो फ्रिंज एलिमेंट है। जी, ये जो सोशल मीडिया की टीम की बात है, आज तक कहीं से सत्यापित नहीं हो पाई। सबके यहाँ 10-15 लोगों की टीम होती है जो ट्वीट करते हैं, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि ट्रोल की आर्मी लगाई जाती है, उनको पे किया जाता है। मुझे चैनल पर लोग कहते हैं कि आपको पे कराया गया बोलने के लिए, मैंने कहा शायद किया होता, मेरे बैंक अकाउंट देख लीजिए किसने मुझे पे किया। बहुत नॉर्मली बोला जाता है कि हजारों लोगों की टीम पे होती है। मैंने नहीं सुना, मैं ऐसे किसी व्यक्ति से नहीं मिला जो किसी पार्टी की टीम में नहीं है, फॉर्मली किसी की टीम में नहीं है, और उसके अकाउंट में इसलिए पैसे आते हैं क्योंकि वो एक तरह के ट्वीट करता है। पोस्ट कार्ड न्यूज के बारे में क्या कहेंगे, वो यही तो करते हैं, मतलब फेक न्यूज फैला रहे हैं। वो आईटी सेल का पार्ट नहीं है जी, आईटी सेल का कहीं से पार्ट नहीं है। सब क्या कहेंगे कि क्या मैं ये कह रहा हूँ कि अभी इन्होंने ये कहा, जो कहा 0.11% का ये मामला है, ये मामला 0.11% का नहीं है, बहुत रैम्पेंट है। बात ये है कि मैंने उसको उठा लिया, मैं एक पत्रकार खुद था, मैं खुद एक पत्रकारों के नेटवर्क से जुड़ा हुआ था, इसलिए मामला बड़ा बन गया। ये होता डेली है, लोग कहते नहीं है, लोग कह नहीं पाते हैं, कहते तो सुनते नहीं है, और कहते हैं तो सुनते नहीं है। सबकी अपनी भी नौकरियां हैं, सब मजबूर तन्वी सेठ पत्रकार नहीं थी, वो एक सिटीजन थी, उन्होंने ट्वीट करा और कर दिया। पढ़े लिखे तो बहुत सारे लोग हैं ना, मतलब केवल पढ़े लिखों के साथ, ओला उबर में पढ़े लिखे लोग ही बैठते हैं। जब मैंने सोशल मीडिया पे लिखा तो बहुत सारे लोगों ने नीचे लिखा कि ऐसा रोज होता है लेकिन ओला कुछ करेगा नहीं, ठीक है, लेकिन उसको देखना पड़ेगा ना, क्यों किसको क्यों रिप्लाई किया, किसको नहीं किया, अगर कोई बोल रहा है नहीं किया, एक तरह से सामने आ जाते हैं कि किस तरह से जो ट्वीट कर देते सोशल मीडिया में आ जाता है, लेकिन दोनों तरफ की ट्रोल आर्मी सामने आके खड़ी हो जाती है। लेकिन ये खाई, ये पोलराइजेशन बढ़ रहा है और आज के समाज में आजकल कुछ सालों से ये ज्यादा बढ़ गया है, इसको रोकने की बहुत जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी हमारे समाज जुड़े हैं इस कार्यक्रम में, फिर हाजिर होंगे कल। नमस्कार।